We want to welcome you into this program titled The Holy Land. Holy Land के इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। I want to thank each one for watching this program regularly every week. In fact, waiting for this program to come. मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जो कि नियमित रूप में इस प्रोग्राम को देखते हैं और सच में इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। A lot of people have put in a lot of effort for this program. A script has to be made, research has to be done, production has to be ready, and a lot of effort is there. But more than anything, lots of prayer is also going on behind this program. इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत से लोगों ने बड़ी मेहनत की है। इस प्रोग्राम के लिए जरूरी होता है कि पहले रिसर्च करें और फिर उसके बाद में स्क्रिप्ट तैयार करें और साथ साथ में प्रोडक्शन भी इसमें जुड़ा होता है। और सबसे बढ़कर इस प्रोग्राम के लिए हम बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं। आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल लास्ट वीक एंड देयर वाज अ व्यूअर हु कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। एक दिलचस्प बात हुई। पिछले हफ्ते एक दर्शक ने मुझे फोन करके एक सवाल पूछा। He said, God is love. Am I right? उसने कहा, परमेश्वर प्रेम है। क्या मैंने ये बात सच कही है? I said, yes, God is love. मैंने कहा, हाँ, परमेश्वर प्रेम है। Then he asked me, then why is this book Revelation so harsh? तो फिर उसने मुझसे पूछा कि परमेश्वर प्रेम है तो क्यों बड़ी कठोरता से ये प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी गई है। I replied to him, मैंने उसे इस तरह से जवाब दिया, God is love. परमेश्वर प्रेम है। God is love is not just a statement. परमेश्वर प्रेम है ये केवल एक वाक्य नहीं है। It's actually a very deep truth and fact. ये तो एक बहुत गहरी ऐसी सच्चाई है और एक गहरा ऐसा तथ्य है। The book of Revelation just signifies that God is love. प्रकाशित वाक्य की किताब इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर प्रेम है। And then he went to another question. और फिर उसने अगला सवाल पूछा। God goes after that one sheep which is lost. परमेश्वर उस एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाते हैं। But why is it that Revelation we find destruction after destruction coming? लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब में हम विनाश के बाद विनाश को आते हुए क्यों देखते हैं? I replied, और मैंने उन्हें जवाब दिया, God is love. परमेश्वर प्रेम है। He is interested in that one sheep which is gone away. वो उस एक भेड़ में दिलचस्पी लेते हैं जो कि भटक गई है, जो खो गई है। Therefore, let me explain this in a different perspective, and his question has made me think that we need to explain Revelation in this context. और इसीलिए हमें इसे अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। और उनके सवाल के कारण मैंने सोचा कि प्रकाशित वाक्य को हमें अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। Yes, last week we saw about the fourth trumpet, and this week I need to be speaking about the fifth trumpet. हाँ, पिछले हफ्ते हमने चौथी तुरही के बारे में देखा, और इस हफ्ते हमें यहाँ पर पांचवी तुरही के बारे में चर्चा करनी है। But before I go into the fifth trumpet, let me explain the question and the answer I gave to this gentleman who called me. लेकिन इसके पहले कि हम पांचवी तुरही के बारे में देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भाई ने जो मुझे फोन किया था, उससे मैंने किस तरह से समझा कर ये सब कुछ बताया है। I said, God is love. मैंने कहा, परमेश्वर प्रेम है। Now, let me explain the context in which my understanding goes. अब चलिए मेरी समझ जिस बारे में है, उस तरीके के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं। The first time when God destroyed the earth through a flood, if you go back to Genesis, it was during the time of Noah. जब पहली बार परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि बाढ़ के द्वारा पूरे संसार को नाश किया, और वो तो नूह का समय था। Now again, why did God do that? अब फिर से मेरा यही सवाल है
कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। If you read Genesis, you will understand the depth of God's heart. अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के हृदय की गहराई को समझ पाएंगे। Many people ask questions without understanding what is the deeper meaning in the Bible. बहुत से लोग बाइबल में इसका क्या गहरा अर्थ है इसे समझे बिना ही इस तरह से सवाल पूछते चले जाती हैं। Because if you look at the whole context, God created man in his own image because he loved mankind. अगर आप पूरे संदर्भ को देखें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया क्योंकि उसने मनुष्य जाति से प्रेम रखा। And when man became rebellious and when the sin increased, God got upset about it. जब मनुष्य ने बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया और जब मनुष्य में पाप आ गया तो इन सारी बातों से परमेश्वर बहुत ही दुखी हुए। When man started to be more selfish and man started to do things on his own, it really upset God. जब मनुष्य बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो गया और मनुष्य सब कुछ केवल अपने बारे में ही सोचने लगा, अपने बारे में ही करने लगा, इससे परमेश्वर व्याकुल हुए। But there was a family called Noah and God saved that family. Noah also had the role to invite everyone to be saved in the ark. लेकिन एक परिवार था जो कि नूह का परिवार था, जो कि एक धर्मी परिवार था और परमेश्वर ये भी चाहते थे कि नूह अपनी भूमिका निभाए और वो सभी मनुष्यों को वहां पर जहाज के भीतर आने के लिए न्योता दे दे। Now you must keep in mind, Noah gave the call. आपको इस बात को याद रखना होगा कि नूह ने उन्हें प्रचार किया या उन्हें बुलाया था। The fact of the matter was, people were not ready to believe. लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये थी कि लोग उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। And then you all know the story, the flood came and then the rainbow came and God made a covenant that he will not destroy the earth again like this of God. और यही तो परमेश्वर का स्वभाव है। Now do you understand the answer to my question that God is love? अब आप इस सवाल का जवाब जान गए हैं और ये सवाल का जवाब यही है कि परमेश्वर प्रेम है। Now let me move to God sending his own son Christ to come into this world to tell us that God is love. अब चलिए इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हमें ये बताए कि परमेश्वर प्रेम है। इसके लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। Now, why do we call this program the Holy Land? अब इस प्रोग्राम को हम Holy Land यानी पवित्र भूमि क्यों कहते हैं? We call it the Holy Land because Jesus lived in this Holy Land. हम इसे इसीलिए पवित्र भूमि कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी पवित्र भूमि में जिए। Again here, God sends a sequence of prophets, sequence of God's people, but finally, God sends His own Son, Jesus, into this earth to tell us the good news. यहाँ पर फिर से मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और साथ साथ में परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा और परमेश्वर आखिरकार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजते हैं कि वो हमें सुसमाचार बताए। But we all know the story, what happened. और हम सब ये कहानी जानते हैं कि क्या हुआ था। Jesus broke the caste system. उस समय जिस तरह से जाति या वंशवाद की जो बात थी उसे यीशु मसीह ने तोड़ दी। And now after all this, Jesus is standing before Pilate as a criminal. अब इन सारी बातों के बाद यीशु पिलातुस के सामने एक अपराधी के रूप में खड़ा कर दिया गया, वो वहां पर खड़े थे। Now he was arrested unconstitutionally in midnight and he was dragged and everything which happened was so awkward. Which is against even the laws of that time. उस समय की जो कानून व्यवस्था थी उसके बावजूद भी अन्याय से यीशु मसीह को आधी रात के समय बंदी बनाया गया था और उसे वहां पर न्याय के लिए लाया गया था। Now you look at the state where Christ is standing before Pilate. अब आप इस दशा को देखिए जहां पर यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे। Now Christ could have argued his case beautifully and Pilate even without Christ saying anything, Pilate knew that Jesus Christ was innocent. और यीशु मसीह तो यहाँ पर अपनी बात को अच्छे से सामने रख पाते थे, उस पर वाद विवाद कर सकते थे। और इन बातों से परे बात तो ये थी कि पिलातुस भी इस बात को अच्छे से जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है, उसने कुछ गलती नहीं की है। Pilate having the power
to actually release Jesus, knowing that Jesus was innocent, washes his hands. We all know that sequence. पिलातुस, जिसके पास में इतनी सामर्थ थी कि वो यीशु मसीह को ऐसे ही छोड़ देता, वो जानता था कि यीशु मसीह निर्दोष है, पर उसने उससे अपना हाथ धो दिया। He allows Jesus to be crucified in the cross, and we all know the story. हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसने अपनी अनुमति दे दी। Now Christ dies, and even before his death, his love for the people was so much that he says, "Father, forgive them, for they did not know what they do." मसीह यीशु क्रूस पर मरते हैं, लेकिन लोगों के लिए उसका प्रेम इतना महान था कि मरने के पहले उसने कहा, "हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं." Again, we all know the story. After 3 days, he rose again, and he's still living with us. और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 3 दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो आज भी जीवित हैं और वो हम में वास करते हैं। Pilate did not understand this. He did not understand one important turning point in life. पिलातुस इस बात को नहीं समझ पाया। जीवन में एक बिल्कुल मोड़ की जो बात थी उसे समझ में नहीं आई। Christ sitting as a judge. मसीह यीशु वहां पर न्यायाधीश के रूप में अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। So it's a very important sequence. ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना है। The whole book of Revelation is that sequence of understanding that there will be a judge who will judge you and me. प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब केवल इसी बात को समझने के लिए है कि निश्चय ही एक न्यायाधीश होगा जो कि आपका और मेरा न्याय करने वाला है। And because God is love, God wants to reveal all this is going to come, and that's why he is choosing John in Patmos Island to explain to the world, explain to the churches, explain to the believers that this is going to come, this is my heart's revelation, this is the future. So he is actually informing us well in advance because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए वो दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने पत्मोस टापू पर प्रेरित यूहन्ना को चुना कि वो पूरे संसार के सामने इस बात को प्रकट करे, पूरी कलीसिया के सामने और सारी मानव जाति के सामने इस बात को प्रकट करे कि ये मेरे हृदय का प्रकाशन है और ये तो भविष्य है और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेम हूँ। So as we read the book of Revelation, you will really understand the heartbeat of God. और जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर निश्चय ही परमेश्वर के दिल की धड़कन को समझ पाएंगे। I hope you got the depth of what I'm trying to tell you. मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको जो कुछ भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसकी गहराई को समझ रहे हैं। Yes, Revelation is a little bit scary, but also Revelation, the reason why God is informing all this is because God really, really loves us. और हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि प्रकाशित वाक्य की किताब थोड़ी डरा देने वाली है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें ये सब कुछ इसीलिए बता रहे हैं कि वो हमें यहाँ पर चेतावनी देना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। Since I have clarified that a little bit, let me now go to the fifth trumpet. जबकि हमने इसके बारे में थोड़ा विवरण से यहाँ पर देखा है, तो आइए अभी इस समय हम पांचवी तुरही की ओर आगे बढ़ते हैं। Join me as we discover the book of Revelation. तो आइए जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करते हैं, मेरे साथ में जुड़ जाइए। Now let's understand the role of the fifth trumpet. तो चलिए अभी पांचवी तुरही की भूमिका को समझते हैं। Now Apostle John observes a star falling from heaven to the earth. प्रेरित यूहन्ना देखता है कि आकाश से तारा टूटकर पृथ्वी पर गिरता है। Now there seems to be a link between the third trumpet and the fifth one. अब देखिए ये जो तीसरी तुरही है और पांचवी जो तुरही है इनके बीच में संबंध है।
Now, apparently, it's the same star of the third trumpet, the great star named Wormwood, which has poisoned the rivers and the fountains of water, causing the spiritual death of these divinely come, which is coming from the fresh water supply. अवश्य ही ये जो तारा है वो तो तीसरी तुरही का ही तारा है जिसे नागदौना कहते हैं और ये तो बिल्कुल ताज़े पानी के स्रोतों पर गिरता है और उसे पूरी तरह कड़वा कर देता है और इसके कारण ये जो ताज़े पानी से आने वाला स्रोत है उसके कारण ये मृत्यु होती है। Now the fallen star represents Satan and is falling from heaven to earth and it is also identified as the angel of abyss. यहाँ पर ये गिरा हुआ जो तारा है ये तो शैतान के बारे में दर्शाता है कि वो आसमान से नीचे गिराया गया और इसे अथकुंड के दूत के रूप में भी जाना जाता है। Now the abyss is the dark prison where demonic forces are confined. ये जो अथकुंड है ये तो ऐसी अंधकार की जगह है जहां पर दुष्टात्माओं की ताकतों को रखा गया है। Now it represents the headquarters of the demonic forces of darkness. अब ये अंधकार की जो दुष्टात्माओं की ताकतें हैं ये उनके हेडक्वार्टर के रूप में दर्शाता है। Now we must understand that demonic forces are also part of this. हमें इस बात को समझना होगा कि दुष्टात्माओं की जो ताकतें हैं वो भी इसका भाग हैं। Now according to Revelation chapter 1 verse 18, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18 के अनुसार, Christ is in possession of the keys of Hades. And the demonic forces are under his control. मसीह यीशु के पास में अधलोक की कुंजियां हैं और सारी जो दुष्टात्माएं हैं वो तो उसके वश में हैं, सारी दुष्टात्माएं उसके नीचे हैं। Now, I want you to underline the key fact that demonic forces are under his control. मैं चाहता हूं कि इस मुख्य बात को आप समझ ले, रेखांकित कीजिए कि सारी दुष्टात्माओं के ऊपर उसे अधिकार है। Nothing can be more greater than the power of Christ. मसीह यीशु की सामर्थ से बढ़कर और कोई दूसरी सामर्थ हो ही नहीं सकती है। If you and I take that stand, we can conquer any situation. अगर आप और मैं यहाँ पर इस तरह से डटकर खड़े रहें, तो किसी भी परिस्थिति पर जयवंत हो सकते हैं। Fear is the direct enemy which actually installs or makes the demonic presence more stronger. डर ही ऐसा शत्रु है जो कि दुष्टात्माओं की उपस्थिति को और ज्यादा बलवान बनाते जाता है। He who authorizes Satan to unlock the abyss and open it. अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को आज्ञा देते हैं कि वो उस अथकुंड को खोल दे, उसे खोल दे। Now again here, it is God who controls all this. अब यहाँ पर देखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण करते हैं। That is why we read again and again in the Bible that the devil can also do and act and also kind of bring fear, but with God's presence, nothing can shake us. इसलिए बाइबल में हम बार-बार इस तरह से पढ़ते हैं कि शैतान भी युक्ति करता है और ऐसी हरकतें करता है जिसके कारण हमें डर लेकर आए, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। As most of you note all these verses, I want you to keep reading Revelation chapter 1 verse 18 and you will understand that these powers of evil are now given a chance to do their harmful work. Now, they are given a chance to do their harmful work. अब जबकि हम इन बातों को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18 को स्मरण रखिए और यहाँ पर ये जो दुष्टात्माओं की ताकतें हैं, ये जो दुष्ट की शक्तियाँ हैं, उन्हें मौका दिया है कि वो अपना काम करे, उन्हें अनुमति दी गई है कि वो अपना काम कर लें। The fallen star opens the abyss from which a cloud of dense smoke energizes like smoke of great furnace. Now here I would like to stress that smoke is a symbol of judgment. उसने अथकुंड खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो धुआं है ये न्याय को दर्शाता है। Keep in mind that this great furnace smoke is a symbol of judgment. ये बात आप याद रखिए कि ये जो बड़ा धुआं है ये तो न्याय को दर्शाता है। If you recollect in my introduction, I also told you that God comes as a judge. और जैसे आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही कहा
कि परमेश्वर एक न्यायाधीश के रूप में आते हैं, एक न्यायी के रूप में आते हैं। Remember I mentioned about Pilate standing there before Christ. Now Christ is a judge and Pilate is going to be judged. अब देखिए, मैंने आपसे ये भी कहा था कि मसीह यीशु के सामने पिलातुस खड़े रहेगा और उस समय मसीह यीशु न्यायाधीश होंगे और पिलातुस का वो न्याय करेंगे। इस तरह से ये समय आएगा। Now the smoke coming out of the abyss is the fifth trumpet which creates darkness in the sky. अब ये जो धुआं जो इस अथाकुंड से निकला है उसके कारण पूरे आसमान में अंधकार छा जाता है, वहां पर पूरी तरह से सब कुछ अंधेरा हो जाता है। In the next week's episode we're going to study more detail. It's getting more interesting, but the key is going to be this. अगले हफ्ते के एपिसोड में हम इसे आगे देखते जाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ये तो और भी दिलचस्प होते जा रहा है और इसके लिए मुख्य कुंजी तो बस यही है। Unless you read this book, how much ever explanation we and the team does, it's not going to matter. But you need to read the book yourself. You need to understand Revelation yourself because only then will God reveal all these things to you. चाहे हम इस किताब के बारे में आपको कितना भी समझा कर बता दें, चाहे इसके बारे में हमारी टीम कितने भी परिश्रम करके अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर बताते जाएं, लेकिन जब तक कि आप इस किताब को न पढ़ें, आप इस किताब के अर्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। Next week we will study more in depth as we study the fifth trumpet, but all I'm saying is read the book of Revelation. There's a lot of blessing as you read it. अगले हफ्ते हम प्रकाशित वाक्य में से पांचवी तुरही के बारे में और भी अध्ययन करेंगे। इसका और भी गहराई से हम अध्ययन करेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़िए और इसके द्वारा आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। Thank you once again for joining us today. I'll see you again next week, same time. May God richly bless you. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी समय हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और तब तक परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Hallelujah.